कपिल सिब्बल देते रहे दुहाई, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक भी नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल राज्य सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बेंच से सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग की थी। सिब्बल ने कहा कि यह मामला बहुत ही ज्यादा भावनात्मक है और वकीलों की दशकों की प्रतिष्ठा इससे धूमिल हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले मीडिया में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर सुनवाई चल रही थी तो कपिल सिब्बल मुस्कुरा रहे थे। सीनियर एडवोकेट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि वह कहां मुस्कुरा रहे थे, यह एक विभत्स कांड है। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लाइव हियरिंग के चलते लोग विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को रातों रात तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे उनके सहयोगियों की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके चैंबर में बैठने वाली महिला वकीलों को रेप और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही है। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखने के लिए उन्हें धमकियां मिल रही है। कपिल सिब्बल ने इन सब बातों को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समकक्ष रखते हुए लाइव हियरिंग को रोकने की मांग कर डाली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वकीलों की ओर से 50 सालों में अर्जित प्रतिष्ठा को तबाह किया जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यह मसला आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे में इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को बंद नहीं किया जा सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइन।